ये कीमा लो, अच्छा बनाओ। नहीं, है मेरे पास, थैंक यू। श्योर? फरहान भाई को आपने ये बात क्यों नहीं बताई? मैं नहीं चाहती थी, वो और परेशान। वाह भाभी, दुनिया के सामने, जमाने के सामने बदनाम होने से बेहतर है कि बंदा अपने घर में बदनाम हो। शर्मिंदा। इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ, प्लीज ज़ैनब को घर वापस ले आए, वरना मैं चली जाऊँ। सब्जी भी बड़ी अच्छी बनी है। वेरी गुड, ट्राई तो करो। भाई कुछ अरसे के लिए परेशान रहेंगे, कम से कम इज्जत तो हमारे हाथ में रहेगी ना। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मुझे सिर्फ एक मौका दें, मैं आयशा को समझा लूंगी। ये लिए आपने? नहीं नहीं, चावल नहीं खाऊंगा, बस मैं चपाती ले ली थी। फरहान, आप कब उठे? मुझे उठा दिया होता। अरे नहीं नहीं, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं, तुम आराम से बाद में उठना, रिलैक्स करो। मुझे 15 मिनट दे, मैं अभी नाश्ता लेकर आई। अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, जरूरत नहीं है तुम्हें उठने की। अब मुझे वैसे कौन सी भूख लगी हुई है यार, खा लूंगा ऑफिस जाके कुछ, पास में रेस्टोरेंट है वहां से मंगा लूंगा, फिर सैंडविच वगैरह। फरहान, आपने कुछ बताया नहीं, ज़ैनब से क्या बात हुई? आज हमने उससे बात भी हुई थी और मुलाकात भी हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ इम्पोर्टेंट कॉल्स आ गई थी तो बात मुकम्मल नहीं हो पाई। दोबारा मिल लूंगा उसे या कॉल कर लूंगा, बात कर लूंगा उससे मैं, तुम फिक्र मत करो। अच्छा सुनो, मैं ये कह रहा था कि तुम चंद दिनों के लिए अकेला के यहाँ क्यों नहीं चली जाती? एक्चुअली कुछ काम का लोड ज्यादा बढ़ रहा है और फिर ऑडिट वाले आ रहे हैं, लेट नाइट्स हो जाएंगी, तो खामखा तुम अकेले घर में क्या करोगी? आप क्या कह रहे हैं, मैं क्यों? अरे भाई तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है और इस कंडीशन में किसी न किसी को तो सारा दिन तुम्हारे साथ होना चाहिए ना। तो मैं अपना ख्याल रखती हूँ, और वैसे भी घर में इतना कोई काम थोड़ी है। बहस का मतलब लड़ाई होता है, बहस करने का फायदा जैसा कह रहा हूँ वैसे कर दो। और आयशा, उसका क्या होगा, वो भी तो अकेली हो जाएगी यहाँ? नहीं, वो मैं आयशा से कह दूंगा कि वो ज़ैनब के पास चली जाए, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है? जो जरूरी चीजें चाहिए वो पैक कर लेना, और अगर कुछ चाहिए होगा उसके बावजूद तो कॉल में मैं ड्रॉप कर दूंगा। खुदा हाफिज। भाभी आप भी क्या याद करेंगे, किस नरम दिल और सखी औरत से पाला पड़ा है आपका। मैं आपको एक मौका नहीं दूंगी, बल्कि इस तरह के काफी सारे मौके दूंगी आपको भाभी।
हेलो। हे स्वीटी, कहाँ गायब हो यार? कहीं नहीं, बस बैठी हुई हूँ। ओह, इस कदर मायूस लहजा? हाँ, बहुत बोर हो रही हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। भाई हमसे दूर रहोगी तो बोर तो होगी ना? यू आर राइट, मुझे भी ना कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो फिर सोच क्या रही हो? बस थोड़ी देर में तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ, रेडी हो जाओ। मेरा ऑलरेडी मूड इतना खराब है, हाँ कहीं तुम्हारा दिन भी खराब हो जाएगा। कम ऑन यार, तुम इसकी फिक्र मत करो, के थोड़ी सी मस्ती कर लेंगे, थोड़ी सी शॉपिंग कर लेंगे और फिर अच्छी सी जगह पे बैठ के हम लोग खाना खाएंगे। दिन और मूड दोनों ऑटोमेटिकली फाइन हो जाएगा। अच्छा चलो, ओके फाइन, आई एग्री। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल, आई एम गोना गेट यू बेबी। ओके बाय। बाय। वीना बहुत ख्याल रखती है, बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। आजकल तो खैर वो बेचारी अपना ही ख्याल रख ले तो बड़ी बात है। You know what? She's expecting. मम्मी। यस बेबी। मुझे घर जाना है। क्यों, अभी तो आए? मुझे यहाँ सफोकेशन हो रही है, प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर। व्हाट? देखो अगर तुम्हें मुझे घर ड्रॉप करना है तो ठीक है, वरना मैं खुद चली जाऊँ। ओके ओके ओके, हम यहाँ से एक शर्त पे जाएंगे। कैसी शर्त? हम यहाँ से घर नहीं, शॉपिंग पे जाएंगे, अपने प्लान और कमिटमेंट के मुताबिक। ओके ठीक है। ओके लेट्स गो। खैरियत? बस जी ठीक ठाक, वो कॉन्ट्रैक्ट लाया था। एक सेकंड दे मुझे, दिखाओ। समझ नहीं आ रहा कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा। आमी कैसी बात कर रही हैं आप, प्लीज शर्मिंदा ना करें। आपके और मामू के इतने एहसानात हैं हम पर, मेरा ये काम तो कंपेयर भी नहीं करता उसके साथ। मुझे पता है मेरी वजह से तुम्हारी और खदीजा के दरमियान काफी टेंशन स्टार्ट हो गई है। कैसी टेंशन? आपको कोई गलत फहमी हुई है मामी, ऐसी कोई बात नहीं। अब झूठ मत बोलो मुझसे, आता भी नहीं है तुम्हें। सॉरी मामी, मैं खदीजा को समझाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। मुझे बाजार में काम है, मुझे ले चलो। जी जी बिल्कुल, चलो बस दो मिनट में आ जाओ। ओके। हेलो हेलो भाभी। भाभी ये तो बताएं आप कि राज की बात कब तक राज रखनी है आपने? कौन सा राज? अरे भाभी क्या हो गया आपको, मेरे पेट में खाने की जगह कब पड़ गई है? और आप हैं कि क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाभी आप बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत ही लकी हैं आप। आपका नंबर ना गलती से लग गया है। मैं तो फरहान भाई को अभी फोन करने वाली थी उसे ये पूछने के लिए कि क्या करना है उस लड़के और आयशा का।
नसीम प्लीज, खुदा के लिए आप फरहान को कुछ नहीं बता सकती। अब भाभी आप खुद ही बताएं मुझे, इस बोट को कब तक अपने सर पे रख के मैं भरती रहूंगी? हाँ ऐसा थोड़ी हो सकता है, मैं बहुत परेशान हूँ भाभी, बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? देखिए आप इस वक्त किसी को कुछ मत बताइए प्लीज। आपके कहने पे ना भाभी, मैं इस बोझ के साथ जीने को तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत हौसला और हिम्मत चाहिए होगी। कहाँ से मिलेगा वो हौसला? कौन सी हिम्मत, कैसा हौसला, मैं समझी नहीं। भाभी आपको पता है ये जमाना जो है ना, सिर्फ भलाई का जमाना है। हाँ अब देखे ना, मैं आपके साथ कुछ अच्छा करूंगी तो आप मेरा भी अच्छा ही सोचेंगी ना भाभी। आप क्या कहना चाहती हैं जरा प्लीज खुल के बताएंगी? देखे भाभी साफ सी बात है, हैं? अगर आप ये चाहती हैं कि मैं आपकी बात मानू समझू, मैं समझती हूँ हाँ, तो बदले में आप भी मेरी कुछ मजबूरियां समझे नहीं भाभी? अच्छा तो इसका मतलब आप बदले में कुछ चाहती हैं? नहीं भाभी मुझे क्या चाहिए होगा, मतलब छोटी सी तो जरूरियात होती है मेरी। ठीक है बताएं क्या चाहती हैं? मुझे आपसे कुछ ज्यादा तो नहीं चाहिए, बस फरहान भाई से कहकर कोई 1,00,000 रुपए तो मुझे दिलवा दे। 1,00,000 रुपए? हाँ भाभी कम है ना? हाँ भाभी कोई बात नहीं है, इससे मैं अभी फिलहाल गुजारा कर लूंगी, बाद में कुछ और कर लेंगे। आपको नहीं लगता कि ये 1,00,000 रुपए कुछ ज्यादा है? आजकल के महंगाई के जमाने में भाभी, वैसे तो 1,000 रुपए भी ज्यादा नहीं, अगर बंदा खर्च ना करे तो। हाँ आपको पता है ना कितनी महंगाई है। वैसे भाभी लोग ना छोटे मोटे के लोन्स के लिए ना अपनी कीमती से कीमती जायदादें गिरवी रखवा लेते हैं। अब आप खुद ही सोचे भाभी, आपका कितना कीमती राज मैं संभाल कर लेकर बैठी हूँ। हाँ खुदा ना खास्ता अगर ये राज कहीं खुल गया कल, आपकी तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। क्या होगा आपका? मुझे थोड़े वक्त की जरूरत है। हाँ भाभी आप फिक्र ही ना करें, आपके पास टाइम ही टाइम है, आज की पूरी रात पड़ी है आपके पास। आप आराम से इत्मीनान से सोचें, कल मुझे अपना फैसला सुनाइएगा, क्योंकि कल के बाद ना फिर मेरे पास टाइम नहीं है भाभी। खुदा हाफिज। Thank you.
हेलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। जी वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा, कैसी हो मेरा बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बस ठीक ही हूँ बेटा। आप बिजी तो नहीं थे? नहीं मेरी जान, मैं बस घर की तरफ ही जा रहा था। I'm sorry बाबा। Sorry for what बेटा? मामा ने आपकी बात नहीं मानी और मैं भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। बेटा अब आपकी मामा की सोच और आंखों पर जो पर्दे पड़ गए हैं तो आप और मैं क्या कर सकते हैं? ना उनको कुछ दिखाई दे रहा है, ना उनको लोगों की बातें सुनाई दे रही हैं। अब मुझे आपकी बहुत फिक्र रहती है, मैं सारा दिन आपके बारे में ही सोचती रहती हूँ। ना मेरा बच्चा इतना मत सोचा करो आप, इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम सब एक दफा फिर से साथ हो जाए। बाबा थोड़ा सा वक्त ही तो नहीं गुजर पा रहा है, वक्त आहिस्ता आहिस्ता सदियों की शक्ल अख्तियार कर रहा है। अरे नहीं मेरा बच्चा, ऐसी बातें नहीं करते आप, तो ऐसी बातें करके मेरे भी हौसले पस्त कर रहे हो। I'm sorry बाबा। बस बेटा हिम्मत से काम लो, पापा कोशिश कर रहे हैं कि हम सारी फैमिली एक मरतबा फिर से साथ हो जाए, लेकिन मेरी जान थोड़ा सा वक्त लगेगा। And inshallah everything will be back to normal। अच्छा बेटे मैं फोन रखता हूँ, गाड़ी चलाते हुए फोन पे बात नहीं करनी चाहिए वरना चलान भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, है ना? लव यू मेरी जान, खुदा हाफिज़। ठीक है। जिंदगी एक अनकही सी दास्तां, जिंदगी एक अनकही सी दास्तां, फासलों और गुर्बतों के दरमियान, फासलों और गुर्बतों के दरमियान। किस लिए करती हो शादी, किसके लिए? आपके लिए लिखती हूँ, मौका मिले तो पढ़ लीजिएगा। जो है उसे क्या नाम दो या दर्द को अंजाम दो, जो है उसे क्या नाम या दर्द को अंजाम दो। समझ नहीं आ रहा कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा। अबे कैसी बात कर रही हैं आप, प्लीज शर्मिंदा ना करें। जब मौसमों की खबर ना हो तो लौट के चले आना, जब मौसमों की खबर ना हो तो लौट के चले आना। जिस रोज से मैं हुई अकेली मेरी तन्हाई मुझसे डरती है। छोटी सी जिंदगी है, एक ही दफा मिलनी है, तो इंसान को अपने आप को खुश रखना चाहिए। हर रात के लिए आंख मचोले मेरी चाहत मुझ पे हंसती है। रीजंस तो बहुत सारे हैं इस बोरियत के, और दोनों की आदत मुख्तलिफ है हमारी, तो उस तफसील में क्या जाना। जब रास्तों का निशाना हो और मंजिलों का पता ना हो, शादी कर रहा हूँ मैं। जब साथ हो कोई बेवफा तो लौट के चले आना। ये अबीरा है मेरी दीदी। जिस रोज से मैं हुई अकेली मेरी तन्हाई मुझसे डरती है। मेरा एक दोस्त है वो पब्लिशर है, उसको मैंने आपकी एक पोइम सुनाई। Honestly, वो तो पागल ही हो गया था, कह रहा था और पोएम्स लेके। रात खेले आँख में चोली चाहत मुझ पे हंसती है। She's expecting. जब रास्तों का निशाना हो और मंजिलों का पता ना हो, जब चले आना। मैं आई एम सॉरी, मुझे तो बड़ी भूख लग रही थी तो इसलिए मैंने खाना डाल लिया। आओ बैठो खाओ। नहीं
मुझे भूख नहीं है, आप खाएं। उधर बुलाओ आयशा। आयशा वो उसको एक्चुअली बहुत भूख लग रही थी, आपका इंतजार नहीं कर पा रही थी तो मैंने कहा खा लो। अच्छा चलो ठीक है, अब तक तो आई थिंक सो चुकी है। वो तुम गई नहीं? कहाँ जाना था मैंने? अरे यार आज सुबह तो तुम कह रही थी कि वो अकीला की तरफ जाना है। जी आई थिंक कल चली जाऊंगी, अभी तो यहाँ बहुत चीजें समेटनी है। तभी ठीक है ना तुम्हारी? जी मुझे क्या होगा, आपके सामने खड़ी हूँ, सही सलामत। फरहान मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। वो नसीम की कॉल आई थी। कुछ पैसे चाहिए उसे। नसीम की कॉल आई थी, वो फर्नीचर वगैरह के लिए थोड़े पैसे उसको चाहिए। तुम क्या अपने आप को दुनिया की वाहिद और आखिरी जिम्मेदार सबकी ठेकेदार समझती हो? फरहान पैसे हमेशा नसीम मांगती है, मुझे अपने लिए तो नहीं चाहिए। खुदा का वास्ता है, कोई एक लम्हा बता दो, कोई एक लम्हा जब तुमने कोई ऐसी हरकत की हो जिससे तुमने मेरा दिल जीतने की कोशिश की हो। हर काम में आपकी खुशी सवाए परेशानियां देने के कुछ नहीं दिया तुमने मुझे आज तक। अच्छा ठीक है ठीक है। सबको किसी ना किसी की पड़ी है, एक दूसरे के लिए सभी सोच लेते हैं लेकिन कोई कभी मेरे बारे में नहीं सोचता, मेरा गम समझने की कोशिश नहीं करता। मेरे आश्क इतने हुए गिरा, मेरे लव्स मेरी बने सबा, मेरे लफ्ज मेरी बने जबां, मेरे अश्क इतने हुए गिरा। आखिर अबीरा ने भी वही किया, मैं तो उसे अपना सबसे ज्यादा हमदर्द समझता था लेकिन उसने भी मायूस कर दिया मुझे आज। या फिर हो सकता है कि इस बात से सिर्फ मुझे ही चिढ़ो, बाकियों के लिए ये सब नॉर्मल और आराम सी बात हो और मैं खामखा तंग आ गया। पर ज़ैनब मेरे लफ्ज मेरी बने ज़बां, मेरे अश्क इतने हुए गिरा। उस बिचारी को हमेशा इसी बात पर डांटा, उसकी तमाम अच्छाइयों को भुलाते हुए मैंने सिर्फ एक खामी ढूंढी और फैसला सुना दिया और वो भी बहुत सख्त। मैं अपनी बेटियों को इस सजा का हिस्सा नहीं बनने दूंगा, उन्हें अपनी खुशहाल जिंदगी जीने का पूरा पूरा हक है। सब कुछ मैंने ही बिगाड़ा है, मुझे ही सब ठीक करना है। बस
एक बार फिर से सबको एक छत तले इकट्ठा करना होगा मुझे। तेरे जुस्तजू मुझे सौंप दी, मेरी जात मुझ पे हुई आया। मामा, आपको क्या लगता है कि नसीम को फोके हर बात पे यकीन करना चाहिए? हमसे झूठ क्यों बोलेगी? ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हें शक हो रहा है? शक नहीं, मतलब देखिए, बहाने बहाने से हर बार आना और पैसों की डिमांड करना। मैं भाई से मांगती हैं। पापा से नहीं मांगती, वो आपसे मांगती हैं, और आप उनके लिए बाबा से मांगती हैं, जिसकी वजह से बाबा आपको ही डांटते हैं। फरहान के गुस्से का क्या, मुझे कोई शिकायत नहीं उनसे। लेकिन बाबा को तो आपसे शिकायतें हैं ना। कौन सा ऐसा शौहर है जिसको अपनी बीवी से शिकायत ना हो? और हम अगर किसी की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो क्या हर्ज है? मामा, ज़रूरियात और ख्वाहिशात में बहुत फ़र्क होता है। तुम्हें नसीम का ही आना पसंद नहीं? नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। वो हमसे इतना प्यार करती हैं, मुझे क्यों बुरा लगेगा उनका यहाँ आना? मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि नसीम पप्पो की वजह से आप में और बाबा में गैप ना आ जाए। तुम अपने जहन पर इतना जोर ना दो, कुछ ऐसा नहीं होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मामा, जिस तरह से आप हमेशा बातें बर्दाश्त करती आई हैं ना, उसी तरह बर्दाश्त कर लेती, गुजार लेती हैं वक्त भी। तेरी जुस्तजो तुझे सौंप दी, मेरी जात मुझ पे हुई आया। मेरे हौसलों को हवा न दे, मेरे प्यार को यूं सजा न दे। जब ख्वाहिशें दम तोड़ दे, तो लौट के चले आना। हेलो। हाँ हेलो, तुम सो तो नहीं रही थी? नहीं, बस अभी सोने ही वाली थी। नहीं, अगर तुम सो रही थी तो कोई ऐसी बात नहीं, मैं कल कर लूँगा फ़ोन तुम्हें आराम से। नहीं, आप बात कर सकते हैं। अच्छा, वो क्या कहते हैं, वो जो तुम करती थी शायरी, कैसी जा रही? अच्छी जा रही है, बल्कि पब्लिशर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। चलो, गुड गुड गुड, अच्छी बात है। कहीं तो दिल लगा तुम्हारा। अच्छा सुनो, वो एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। अगर वापस घर बुलाने की बात करना चाह रहे हैं तो बेकार है। अरे भैया, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, एक मौका तो दो मुझे बात करने का। अब भी आपने वही बात करनी होगी जो उस दिन की थी। देखिए फरहान, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं कि मैं किसी और की खिदमत कर सकूं। अरे किसी की खिदमत करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अमीरा जा रही है अपनी बहन के घर। आई थिंक सो कल तक चली जाएगी वो। कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी के बेघर होने की वजह नहीं बनना चाहती। देखो जैनब, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन जरा इतना सा भी तो सोचो कि इसमें हमारे बच्चों का क्या कसूर है। सबका अपना अपना नसीब होता है, जिसकी जो किस्मत में है उसको वही मिलता है। देखो, उनका नसीब जो है वो हमारे रहमो करम पे है। गलतियां हम करेंगे, सजाएं वो भुगतेंगे, क्या फायदा। देखो, आयशा को इस वक्त तुम्हारी सख्त जरूरत है। उसके दोस्तों की कुछ कंप्लेंट्स हैं जो मैं सुन चुका हूँ। कंप्लेंट सुनिए तो कोई एक्शन लीजिए ना। मैं होती, मैंने भी आगे आप ही से कंप्लेन करना था। चलो ठीक है, अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो वापस आने में, तो मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो दीवार से सटक रहा था।
मैं एक काम करता हूँ, मैं आयशा को भेज देता हूँ तुम्हारे पास। यूं कहें ना कि अपनी आखिरी जिम्मेदारी से भी जान छुड़ाना चाह रहे हैं। धाखा बाजता है ज़ैनब, पूरी बात तुमने सुनी नहीं और अपना फैसला सुना दिया आगे से। पूरी बात आपकी सुन भी चुकी हूँ, समझ भी चुकी हूँ। जल्दी उठना है तो अगर आपकी बात खत्म हो गई है तो राफ। फिर कैसी हो? घर में बोर हो रही थी तो सोचा आपसे मिलने आ जाऊं। बहुत अच्छा किया, तुम्हारा ही तो घर है। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? अको, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऑफ कोर्स, बोलो ना। फरहान आजकल बहुत परेशान रहने लगे हैं। आज सुबह तो मुझसे कह रहे थे कि मुझे आपके यहाँ रहने आ जाना चाहिए। कोई वजह दी? यही कि वो बहुत मसरूफ हैं और मुझे टाइम नहीं दे पाएंगे और मुझे देखभाल की जरूरत है। ठीक तो कहा है। ये क्या कह रही हैं आप? भाई फरहान बिजी है, उसको तुम्हारी बहुत फिक्र है और हमसे बेहतर तुम्हारा कौन ख्याल रख सकता है। मैं वहां बहुत खुश हूं और मैं उसी घर में रहना चाहती हूँ। आपको आई नो, बट मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हें क्यों इतना मसला हो रहा है। क्योंकि मैं इस तरह से अचानक उस घर को छोड़कर नहीं आ सकती हूँ। तुम्हें वो घर से निकाल तो नहीं रहा, तो फिर क्यों क्यों प्रॉब्लम हो रही है बताओ मुझे। मैं आयशा को भी यूं वहां अकेले नहीं छोड़ सकती। आयशा अब बच्ची नहीं है और कौन सा तुम उसकी माँ हो, मतलब माँ तो उसकी ज़ैनब है ना, ज़ैनब को उसकी फिक्र करनी चाहिए। आयशा बच्ची ही है, बिल्कुल बच्ची है, और ज़ैनब की वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से, मेरे उस घर में जाने की वजह से वो बिगड़ रही है। अबीरा मुझे सीरियसली नहीं समझ आई तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। को आशा आजकल बुरी कंपनी में उठना बैठना शुरू हो गई और उसकी तरफ से मुझे बेहद परेशानी है। बुरी कंपनी? तुमने किसी को बताया? नहीं, मैंने तो नहीं बताया, लेकिन नसीम ने खुद उसे अपनी आंखों से उस लड़के के साथ देख लिया और इस सारी बात का इल्जाम अब वो मुझ पर डाल रही है। पर तुमने उसे कहा नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं? वो मेरी कुछ सुने तो बताओ ना। अब तो उन्होंने मुझे ब्लैकमेल भी करना शुरू कर दिया। व्हाट? मैं बहुत परेशान। अगर नसीम ने ये सब कुछ फरहान को बता दिया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कहीं इस वजह से वो मुझे अपनी जिंदगी से तो नहीं निकाल दे? ऑफ कोर्स नॉट अबीरा, फरहान ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। और तुम क्यों ऐसे सोच रही हो? तुम मत फिक्र करो, मैं हूं ना। अकु अबीरा, अकु मेरा सर। बीरा तुम अपने आप को संभालो, मैं तुम कह रही हूं ना, मैं हूं, मैं सब ठीक कर दूंगी। ओह गॉड, बीरा क्या हो गया? बीरा क्या हुआ, ठीक हो? राउफ, राउफ जरा प्लीज पानी लेके आए, जल्दी से जल्दी से।
थोड़ा सा इसको तेज कर दो। स्टैटिस्टिक्स लिए मिले? अबीरा, अबीरा, कैन यू हेयर मी? तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? शाबिश आंखें खोलो। अबीरा, गुड, ओपन योर आईज, कैन यू हेयर मी? गुड, हाउ यू फीलिंग? ट्राई ट्राई, कम ऑन अक्को, तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही है तुम्हारे होश में आने का। मैं इसे इन्फॉर्म करती हूँ। उन्हें बोले मैं होश में आ गई हूँ, मुझे घर जाना है। अभी फॉर दैट आई एम सॉरी, तुम्हें घर नहीं जाने दूंगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें यहां बहुत पहले एडमिट हो जाना चाहिए था और तुम आज से एडमिट हो चुकी हो। लेकिन एडमिट अचानक कैसे? अचानक नहीं, ये महीनों पुरानी बात है और तुम्हें बहुत पहले यहां पे खुद एडमिट हो जाना चाहिए था। क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हें बताया नहीं? तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है और बहुत क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच चुका है। थोड़ी सी हिम्मत करो, बी स्ट्रॉन्ग। क्या? अकेला किसी चीज को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रही। तुम पेशेंट हो और अब तुम्हें अपना ख्याल खुद करना है। यू हैव टू कोऑपरेट विद मी एंड यू हैव टू स्टे हियर, ओके? बी स्ट्रॉन्ग।